दिन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो खरीफ की फसल में होने वाले दो प्रमुख रोग थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें एक था बाजरे की मृदु रोग लास्ता वाला और उसके बाद में नेक्स्ट था बाजरे का अर्कट या चिप्पा रोग। इनके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में जो नेक्स्ट है कपास का मलानी रोग, तो कपास के मलानी रोग के बारे में पढ़ेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, ये किस प्रकार से रोग पहुंचाता है और कौन से रोग कारक द्वारा ये रोग होता है, इसको नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कपास का मलानी रोग है, इसे और कौन से नामों से जाना जाता है, तो इसे मुरझान या उकता रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुरझान या उकता रोग भी कहा जाता है, उकता रोग भी कहा जाता है। तो ये इसका दो अन्य नाम है कपास के मलानी रोग के। यह कपास में उगाया जाए, जहां पर कपास उगाई जाती है वहां लगभग ये रोग पाया जाता है। अब इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, कपास के मलानी रोग के लक्षण यानी पादप को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें मलानी रोग के कौन से लक्षण हैं, लक्षणों को देखकर आप इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यह रोग छोटी छोटी जगह पर खेत में प्रकट होता है, एक नंबर क्या लिखना है, खेत में छोटी जगह होती है, छोटी छोटी जगह वहां पर यह प्रकट होता है, खेत में छोटी छोटी जगह पर यह रोग प्रकट होता है, यह रोग प्रकट होता है। अब इसके बाद में सेकंड इस रोग का क्या लक्षण है, पर्याप्त नमी होने के बावजूद भी हरे का हरा पौधा ही मुरझा जाता है, खेत में पर्याप्त नमी के बावजूद भी, नमी के बाद भी हरा पौधा मुरझा जाता है, पूरा हरा ही हरा पौधा मुरझा जाता है, ये इसका दूसरा लक्षण है। इसके बाद में जो मलानी रोग है इसका अगला लक्षण कौन सा है, इसके अलावा पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने व सूखने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वह सूख जाती हैं, पीली पड़कर फिर मुरझा जाती है, उसके बाद में पत्तियां सूख जाती हैं, धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है और रोग के पौधों की जड़ों में धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है, वह रोगी पौधों की जड़ों के जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध हो जाना इसका लक्षण है, वह रोगी पौधों की जड़ें होती है उनकी, रोगी पौधों की जड़ों के जाइलम वाहिकाओं का, जड़ों के जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध हो जाना इसका प्रमुख लक्षण है। तो ये इस मलानी रोग का अगला लक्षण है। इसके अलावा इसमें मेलानी वर्णक के कारण भूरे या काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, जाइलम में
मेलानी वर्णक के कारण भूरे या काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं। भूरे या काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं। भूरे या काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये कपास के मलानी रोग के प्रमुख लक्षण हैं, जो कि खेत में छोटी छोटी जगह पर दिखाई देते हैं और इसमें पौधा है वो पूरा हरा का हरा ही सूख जाता है। पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, मुरझाती हैं और फिर सूख जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है और रोगी पौधों की जड़ों में जो जाइलम वाहिकाएं होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। जाइलम वाहिकाएं जब अवरुद्ध होती है तब क्या जाइलम द्वारा जल का प्रवहन नहीं हो सकता और इस कारण पौधा सूख जाता है। और जाइलम में कौन सा वर्णक मेलानिन वर्णक बन जाता है जिससे क्या पादप की जड़ों में भूरे या काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं। इसके बाद में इसके भोग कारक के बारे में देखते हैं। परपोषी फसलों
फूलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। ये इसके शस्य प्रबंधन का दूसरा तरीका है। अब इसके अलावा रोग प्रभावित खेत से फसल अवशेष उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यानी रोग ग्रसित अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग ग्रसित जो अवशेष होते हैं उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। फिर गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। ये भी लगभग कॉमन है सभी में। गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में क्या खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। मृदा का सोयीकरण करना चाहिए, सोइल सोलराइजेशन। सूर्य के ताप से मृदा को क्या सोयीकरण करवाना चाहिए। मृदा का यानी कुछ लंबे समय तक खाली पड़ा रहना देना चाहिए। मृदा का सोयीकरण करना चाहिए। ड्रेसिंग करना चाहिए। कोकनाशी का छिड़काव करना
हमें क्या ड्रेचिंग करना चाहिए। तो ये रासायनिक प्रबंधन के प्रमुख तरीके हैं। इसके बाद में है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने क्या करते हैं, कुछ उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं और इसके अलावा अपने कुछ अन्य तरीकों द्वारा भी इस रोग को रोका जा सकता है। जैसे एक नंबर है ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई के पहले भूमि का उपचार करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा कल्चर से भूमि का उपचार करना चाहिए। भूमि का उपचार करना चाहिए। ये इसके एक प्रबंधन का प्रमुख तरीका है, भूमि का उपचार ट्राइकोडर्मा कल्चर से करना चाहिए। बुआई के समय बीजोपचार 4 किलोग्राम प्रति किलोग्राम में इसकी बुआई के समय उपचारित करने चाहिए बीजों को। रोग रोधी किस्मों कौन सी रोग रोधी किस्में हैं, रोग रोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जैसे ज्यादातर रोग रोधी किस्में जैसे ज्यादातर ये कपास की एक अच्छी किस्म है। दूसरी है जरीला मोती LD 694 जरीला, फिर है मोती, इसके बाद में LD 694। ये किसकी कपास की उन्नत किस्में हैं जो रोग रोधी होती हैं। विजय तथा वेरू का उपयोग करना चाहिए। विजय वेरू आदि किस्मों का उपयोग करना चाहिए, किस्मों का उपयोग करना चाहिए। ये सारी कैसी किस्में हैं जो रोग रोधी किस्में होती हैं। तो ये जो अपने जैविक प्रबंधन के तरीके हैं ये भी कंप्लीट हुए। तो आज अपने कपास का मलांगी रोग है इसे कंप्लीट किया है। इसके बाद में जो इसका रोगजनक है उसका डायग्राम आपने बनाना है, वो किस प्रकार का रोगजनक होता है तो उसे बनाकर अपने बताते हैं। तो लास्ट में आपने क्या, जहां पर आपने रोगजनक के बारे में नोट करना है वहां रोगजनक के डायग्राम को अपने बनाएंगे जो इसका रोगजनक जिसका नाम क्या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये कैसा दिखाई देता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इस तरह से फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। ये दिखाई देता है जिसमें क्या यहाँ रोम जैसी अति वृद्धियां निकली रहती हैं, इनके ऊपर आगे कोनिडिया बने रहते हैं। और कुछ में इस तरह के माइक्रो बीजाणु बने रहते हैं। ये किलो माइक्रो बीजाणु हो गए, ये इसमें फैले हुए रहते हैं। तो ये किसका डायग्राम है रोगजनक का, मलानी रोग का रोगजनक, मलानी रोग का रोगजनक इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो छोटे छोटे ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये लघु कोनिडिया होते हैं और इसमें क्ले माइटो बीजाणु, ये वाले कौन से हैं क्ले माइटो बीजाणु, ये कौन से हैं गुरु बीजाणु या गुरु कोनिडिया बोलते हैं, गुरु कोनिडिया। गुरु कोनिडिया के अलावा इसमें छोटे छोटे लघु कोनिडिया भी बने हुए दिखाई देते हैं जो यहाँ इससे अलग होकर दिखते हैं, ये वाले लघु कोनिडिया। और ये सारा कौन सा भाग है, ये वाले
बनना नहीं रोका, रोग जनक है वो इस तरह से दिखाई देता है। तो आज इस वीडियो में अपने मलानी रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं, इसके प्रबंधन के तरीके और जो इसका रोग जनक है इसका डायग्राम अपने देखा। तो जितना आपको पढ़ाया इसे अपने नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने मूंगफली का पर्णचुत्ती रोग है इसके बारे में पढ़ेंगे।